आर के शुभदेव हूँ, सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा से हूँ मैं। जो कि कार्यक्रम पूर्ण रूप से जो हम रख रहे हैं, अस्थि कलश जो है ऊना से लाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के लगभग 17 जिला मुख्यालयों पर इनका दर्शन हेतु रखा जाएगा। सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी संप्रदाय के लोग इस अस्थि का उद्देश्य ये है कि उनको देख कर उनके जीवन से प्रेरणा लें और उनको जीवन से उतारें और संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए संविधान की रक्षा भी करना है और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उस पर हमको चिंतन करना है। जहाँ जहाँ अस्थियाँ रखी जाएगी, देश के विभिन्न इतिहासकार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साहित्यकार भाव साहब के विचारों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और आम जनता इससे लाभान्वित होगी, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्मकांड नहीं है, कोई राजनीतिक लाभ का उद्देश्य नहीं है, सारे धर्म सारे समाज के लोग इस पर साथ दे रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि रायपुर में जो 3 मार्च को जो कार्यक्रम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों का आगाह करते हैं कि इस विशुद्ध रूप से साहित्य और इस कार्यक्रम में शुभकामनाएं। धन्यवाद।